NIOS के द्वारा डिप्लोमा करने के लिए वो इस पृष्ठभूमि में था 17 के उसके पूर्व जो कार्यरत थे उन्हीं का NIOS के द्वारा DL जो था है वो वैलिड माना जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, NIOS DLED को लेकर के जो है BPSC TRE में एक और अनाउंसमेंट हुआ है। जो BPSC के अध्यक्ष हैं उन्होंने खुद ये बात जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की है। क्या है, क्या NIOS DLED के फेवर में बोला है या फिर उनके अगेंस्ट में बोला है, ये सारी चीजें समझेंगे। इंटरव्यू तो आप लोगों ने देखा ही है, लेकिन इंटरव्यू में जो जो बातें बोली है वो आपके फेवर में जा रही है या फिर आपके अगेंस्ट में जा रही है, उससे भी उस पर भी बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे कि जब भी NIOS DLED के बारे में आपको वीडियो दिया जाए, अपडेट दिया जाए, तो आपके पास नोटिफिकेशन इमीडिएटली जो है मिल जाए। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये नोटिस लाने का रीजन है क्योंकि जो BPSC के अध्यक्ष है अतुल प्रसाद जी, उनका भी जो इंटरव्यू हुआ है NIOS DLED को लेकर के, उन्होंने स्टार्टिंग यहीं से किया है। आप पहले ये लाइन को पढ़िए, सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों में पहली से आठवीं तक पढ़ाने वाले लाखों अप्रशिक्षित शिक्षकों को DLED पाठ्यक्रम 2019 तक पूरा करने का भारत सरकार ने मौका दिया है। समझ में आया? यही लाइन को जो BPSC के अध्यक्ष है उन्होंने दोहरा दिया है, रिपीट कर दिया है कि जो भी बच्चे जिन्होंने प्राइवेट स्कूल में या फिर सरकारी स्कूल में या फिर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में अगर पढ़ाया है और उसके बाद NIOS DLED किया है, तो उन लोगों को बिल्कुल वो लोग जो है BPSC TRE 2.0 का एग्जाम दे सकते हैं। अब बात को थोड़ा समझना, ठीक है, सरकारी स्कूल में जो जिन्होंने पढ़ाया है और ट्रेनिंग नहीं है उनका तो बनता है भाई, वो वहां पे तो दिख जाएगा कि हाँ ये सरकारी स्कूल का जो है टीचर है। जो निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल की जो बात हो रही है उसके बारे में थोड़ा हम सोच लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, इवन मैंने देखा है ऐसे टीचर्स को जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, और उस समय जब NIOS DLED आया तो उन लोगों को स्कूल की तरफ से ही बोला गया कि आपको ये करना पड़ेगा, और उन्होंने किया भी, लेकिन आज जाकर के वो स्कूल बंद हो गया है। तो फिर उन बच्चों का क्या, क्योंकि आप सब जानते हो कि कोरोना में बहुत सारे स्कूल्स जो है प्राइवेट स्कूल स्पेशली बंद हुए हैं, तो अब उन बच्चों का क्या होगा। तो अगर आप लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए हुए हो और उसके बाद आपने NIOS DLED किया है, और तो आपका आपके पास सर्टिफिकेट होना होगा, जरूरी है कि आपने जिस भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने भाई यहाँ पे इतने साल पढ़ाया और उसी दौरान आपने NIOS DLED में एडमिशन लिया और NIOS DLED को कंप्लीट किया है। ये चीजें तो ये आप लोग दिमाग में क्लियर करो कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले बच्चे ही जो है BPSC TRE 2.0 का एग्जाम देंगे, ऐसा नहीं है। प्राइवेट स्कूल में कभी ना कभी आपने पढ़ाया ही होगा, जब NIOS DLED कर रहे हो तो अगर आप गए हैं तो उन लोगों को मौका है। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इंटरव्यू दी गई है वो बातों को थोड़ा सा घुमाया गया है और इसी स्टेटमेंट को जो है दोहराया गया है, लेकिन फिर भी NIOS DLED के उन बच्चों के लिए बेनिफिट होगा जिन्होंने कि प्राइवेट किसी ना किसी स्कूल में पढ़ाया है और फिर उसके बाद NIOS DLED किया, या फिर NIOS DLED किया और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो आप एग्जाम देने जा सकते हैं, आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने जो है प्राइवेट में या सरकारी में कहीं भी नहीं पढ़ाया और फिर भी सामान्य तौर पर NIOS DLED किया है, उनका क्या है। तो BPSC के अध्यक्ष ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए हम चलेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग जो है NIOS DLED के जो सर्टिफिकेट है उसको अमान्य घोषित किया गया, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप एग्जाम जरूर दीजिएगा। क्यों, हमने आपको कल भी एक इंटरव्यू जो है नंदन बोहरा जी का दिखाया था, उन्होंने भी क्लियर बात कही है कि पूरे चांस है, बहुत ज्यादा ही चांस है एक्चुअली में कि NIOS DLED को मान्यता मिल जाएगी, लेकिन बात यह है कि आज आप एग्जाम छोड़ देते हो, मानो कि आप एग्जाम नहीं देते हो और कल को जो है ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या BPSC वाले जो है आपको फिर से एग्जाम देने का मौका देंगे। आपके हाथ से तो वो मौका निकल जाएगा और वो तो बोलेंगे हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है पूरा कर रहे थे, लेकिन इसमें मैं बोलूंगी कि ये टोटली डिपेंड आप पे करता है, अगर आप जा सकते हैं तो जाइए, लेकिन ये जरूर रखिएगा
कि आगे जाकर के जो है चांसेस ऐसा बन रहा है जो कि एनआईएस डीएलएड को मान्य कर दिया जाए तो उस समय कोई भी किसी भी चीज के लिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो फिलहाल एक तरह से जो है एक साइन मिला है बीपीएससी टीआरई 2.0 में कि जो बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाए हुए हैं और उसके बाद उन्होंने एनआईएस डीएलएड किया है वो जाकर के जो है टीआरई 2.0 का एग्जाम दे सकते हैं। अब जब यही ये बात इन्होंने कहा अतुल प्रसाद जी ने कहा तो जाहिर सी बात है कि रिपोर्टर के मन में एक बात तो क्वेश्चन उठ ही गया कि अगर प्राइवेट में पढ़ाने वाले बच्चे जो एनआईएस डीएलएड किया होगा तो हो सकता है कि उन्होंने ना पढ़ाया हो और फर्जी डिग्री बना करके आ जाए। तो उस पे भी उन्होंने कहा कि फर्जी सर्टिफिकेट अगर कोई लेकर के आ जाता है कि उन्होंने प्राइवेट में पढ़ाया और एनआईएस डीएलएड किया है तो उसकी जांच होगी और आगे जांच में पाया जाएगा तो देखा जाएगा कि उनको रखना है या नहीं रखना है। तो इन्होंने अपनी बातों को इस तरह से क्लियर किया। टोटली आपके ऊपर है कि आप जो है एग्जाम देना जाना चाहते हैं या नहीं। हमने भी आपको बता दिया कि अभी सिचुएशन जो है क्या चल रहा है, क्या क्या चीजें जो है होने वाली है। और जैसे कि आपको बताया गया है कि यूनिटी आपको दिखानी होगी, आप लोगों को एक साथ आना होगा और एक साथ आकर के अपनी बातों को रखनी होगी। तो जैसा कि इसमें एक स्कोप दिख रहा है, क्लियर तौर पे एक स्कोप दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो रिकॉग्निशन लेटर था 22 सितंबर 2017 का उसको जो है गैजेट में या तो शामिल कर लिया जाए जो गैजेट है या फिर उसके लिए गैजेट निर्माण किया जाए, जो दोनों में से जो सुटेबल लगे वही चीजें हैं। इसके लिए एनसीटी ने क्लियर कर दिया है कि उनको जो है एमएचआरडी से यानी कि मिनिस्टर से जो है एक लेटर चाहिए जिसमें वो लिखा हुआ हो कि गैजेट का निर्माण करने की बात कही गई या सिर्फ ये कहा जाए कि उस समय जब ये रिकॉग्निशन लेटर दिया गया था तो इसको एक्चुअली में उस समय रिकॉग्निशन लेटर दिया गया तो उसको जो है गैजेट में शामिल करना था लेकिन वो नहीं हो पाया, रीजन चाहे जो भी हो वो एक तरह से छूट गया। तो उनकी जो कमी रह गई, जो वो काम जो अधूरा रह गया था उसको पूरा करने के लिए जो है एमएचआरडी से अगर लेटर मिल जाता है तो एनसीटी ये काम जल्द से जल्द कर देगी। यही चीजें अभी एनआईएस डीएलएड में चल रही है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।